नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल और जो पोस्टर वो तो आपको पढ़ लिया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि ये वाली वीडियो किस टॉपिक पे जाने वाली है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इस पूरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। कौन सी कि अगर आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये दोस्तों चाहे आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे दोस्तों अगर आपने 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे दोस्तों आप एक पेरेंट्स हो और आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं 10th क्लास के या फिर दोस्तों 12th क्लास के, तो एग्ज़ाम तो हो गई। अब भाई सभी लोगों ने यहाँ पे इंटरनेट पे, YouTube पे, Google पे, सभी जगह सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, खोजना स्टार्ट कर दिया है कि भाई हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है। दोस्तों, एक अपडेट सामने निकल के आया है कि भाई आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखते रहिए अगर आपको भी जानना है कि भाई हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। मगर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहते हो इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो और देखना तो फटाफट लाल कलर वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि वीडियो के ठीक नीचे है। और भैया देखो, हाँ, सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन घंटी आएगी, आपको उस घंटी को जरूर से ऑन कर लेना है हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि भाई हमें यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को उठाने में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 जाने कब तक आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और हाई स्कूल यानी 12वीं और इंटरमीडिएट परीक्षा नतीजे अप्रैल के माह यानी कि जो अप्रैल का महीना आने वाला है, जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, दूसरे या तीसरे यानी कि थर्ड वीक या फिर सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में आपके परिणाम घोषित हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम की खबर के मुताबिक परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, ये अधिकारी ने जानकारी दी है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आ ही जाएगा। दोस्तों, ऐसा हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा यार, मतलब आपका रिजल्ट यार बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर आप जल्दी जल्दी मतलब कुछ तैयारी वगैरह कर पाओगे, SSC वगैरह, मतलब बहुत सारा आपको टाइम मिल जाएगा कुछ भी तैयारी यहाँ पे करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो यूपी बोर्ड के 18 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा कि नतीजे इतनी जल्दी घोषित कर दिए जाएँ। पिछले वर्ष यूपी बोर्ड का रिजल्ट 29 अप्रैल को आया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म होने के बाद बोर्ड ने अपना खासा ध्यान 3.20 करोड़ कॉपी को चेकिंग करने पर यहाँ पे केंद्रित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिनों में 1.25 लाख टीचर और 230 केंद्रों पर कॉपी चेकिंग का काम पूरा यहाँ पे करेंगे। कॉपी चेकिंग का काम 8 मार्च को यहाँ पे शुरू होगा और 22 मार्च को यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मूल्यांकन के बाद बोर्ड को रिजल्ट तैयार करने में 3 सप्ताह लगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 79,064 टीचर 10वीं की और 1.90 कॉपियाँ 45,732 टीचर 12वीं की यानी कि 1.30 कॉपियों की यहाँ पे जांची जाएंगी। तो ये थी जानकारी जो मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पे, कहीं भी सबसे पहले पाना चाहते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।